चलिए बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी के जंगल में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है और यहाँ पिछले 3 दिनों से जंगल धधक रहे हैं और इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। धधक रही है जंगल, झुलस रही है प्रकृति, धधक रहे जंगलों की ये तस्वीरें हैं जर्मनी की, जहां के साउदर्न बवेरिया के इस पहाड़ में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। पिछले 3 दिनों से जर्मनी का ये जंगल झुलस रहा है। आग ने प्रचंड रूप ले लिया है। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बवेरिया के पहाड़ पर लगी ये आग साल 2011 के बाद की सबसे भीषण आग है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कैसे एक छोटी सी मानवीय भूल विकराल रूप धारण कर सकती है और जब खिलवाड़ प्रकृति से हो तो सब कुछ अपने आगोश में ले सकती है। शनिवार रविवार को 2 लोगों ने यहाँ कैंप फायर शुरू की थी, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो गई और नतीजा ये हुआ कि इस जंगल में आग लग गई। करीब 100 हेक्टेयर इस आग की चपेट में है। पहाड़ों पर लगी इस बेकाबू आग को बुझाने के लिए कई दिनों से मशक्कत की जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई बर्फबारी। दो दिनों से करीब 7 हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल फायर फाइटिंग अथॉरिटीज ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी कुछ और दिनों के लिए जंगल पर नजर रखी जाएगी। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और इस खबर के साथ मेरा प्रदेश लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।